तो दोस्तों, जैसा कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में अभी रिसेंट स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि जेठालाल का बिजनेस अब पूरी तरह से डूब चुका है और उसको रैमसन कंपनी को 40 लाख रुपए चुकाने हैं ताकि उसे माल की डिलीवरी बिल्कुल सही से मिले। इस सब के पीछे का रीजन है दोस्तों भोगीलाल, क्योंकि उसने जेठालाल की पेमेंट को अटका दिया है। फिर जेठालाल दोस्तों यहाँ पर रैमसन कंपनी के पैसे चुकाने के लिए अपनी दुकान को बेचने का डिसीजन लेता है, लेकिन वो अपने गांव में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो टप्पू के ड्रीम्स को भी नहीं तोड़ना चाहता और वो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहना चाहता है। तो ऐसे में ये सारी बात बाबूजी को पता लगती है और बाबूजी बोलते हैं कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दूंगा और वहाँ से पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगा, जिससे कि तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल सही से चलने लग पड़ेगा और आगे से दिमाग से और ध्यान से काम करना। पर यहाँ पर फ्रेंड्स, जेठालाल अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसकी पुश्तैनी जमीन बिके। और कुछ ऐसा ही स्टोरी में भी देखने को मिलता है और रात को जेठालाल को उसके दादाजी सपने में भी डराते हैं और फिर वो और डर जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत ही कम चांसेस है कि जेठालाल अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचेगा और बापूजी की मदद यहाँ पर लेने वाला है। फिर यहाँ पर उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि दुकान को बेच दे या फिर गांव में चला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जेठालाल गांव में भी नहीं जाना चाहता और वो गांव में भी नहीं जाएगा। तो कुछ और सोल्यूशन निकलेगा, जैसे कि भोगीलाल का भांडा यहाँ पर फूट सकता है और हो सकता है कि बाबूजी थोड़ा सोचें और उसको भोगीलाल पर शक हो जाए और वो उसकी इंक्वायरी करें और भोगीलाल का भांडा यहाँ पर फूट सकता है। बाकी फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि जेठालाल अपने जमीन को बेचे ना और उसको गिरवी रख के वहाँ से बैंक से लोन ले और अपने बिजनेस को फिर से अच्छे से चला ले। वैसे फ्रेंड्स, जेठालाल के गांव जाने के इस डिसीजन को लेकर और दुकान को बेचने के डिसीजन को लेकर कई सारे तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के फैंस दुखी हैं और वो भी नहीं चाहते कि जेठालाल की दुकान बिके या फिर उसकी जमीन बिके। और फ्रेंड्स, यहां पर स्टोरी को जारी रखने के लिए या तो भोगीलाल का भांडा फूटेगा या फिर जेठालाल अपनी जमीन को गिरवी रख के बैंक से लोन लेगा। बाकी फ्रेंड्स, आगे स्टोरी में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या पॉसिबल है और आगे क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि जेठालाल एक बेहतरीन कॉमेडियन है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, फॉर न्यू अपडेट ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।